गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन सोल। दिस इज शालिनी। और सबसे पहले सबको विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। अच्छे से अपना फेस्टिवल मनाइए, एंजॉय करिए, कलरफुल होली मनाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं संडे मॉर्निंग मेरे गार्डन का एक छोटा सा रिव्यू। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपने अडेनियम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे अडेनियम का फर्स्ट फ्लावर सीजन का। और आप देखेंगे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि इनमें ना लीव्स नहीं आई हैं अभी किस अडेनियम में ज़्यादातर में, लेकिन बड्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो अडेनियम रियली ना अमेज। आप देखिए, इसमें तो सीड पॉड आ गया है सीधा। तो फ्लावरिंग नथिंग बट सीड पॉड बन गया है। बहुत ही प्यारे प्लांट हैं और नेचर तो सरप्राइज़ करती रहती है। अब ये देखिए मैरीगोल्ड, गेंदा, ये सब अपने आप उगाए हैं जो मैं फ्लावर्स डालती रहती हूँ रंगोली में। जैसे बनाती हूँ तो वो पानी सब प्लांट्स में ही डालती हूँ। बट इस बार टचवुड, अभी ये गिलहरियों ने पता नहीं क्यों इनको बख्श दिया इस बार, अभी नहीं खाए हैं, वरना वो एक भी फ्लावर नहीं छोड़ती है गेंदे का। तो ये देखिए मेरे अडेनियम सब में अब ग्रोथ स्टार्ट होने लगी है। हाँ, बारिश जो हुई है ना बिना मौसम की, उसमें मेरे 3-4 अडेनियम गल गए हैं। और ये मेरे सबसे पुराने अडेनियम, इनका भी, इनको बस मैंने सेव कर लिया है किसी तरह। इनका भी कॉडेक्स थोड़ा रूट रॉट होने लगा था तो मैंने कट करके दोबारा लगा दिए हैं। तो अब तो खैर इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिए सारे अडेनियम मेरे अच्छे से, इनमें नई नई शूट्स आने लगी हैं। और ये बोगनविलिया, बोगनविलिया को मैंने अब इस बार इधर शिफ्ट कर दिया है। देखिए मैं भी खूब अच्छी फ्लावरिंग हो गई है स्टार्ट। जैसे जैसे धूप बढ़ेगी इनकी फ्लावरिंग भी बढ़ती जाएगी। कितने प्यारे कलर। अभी एक मस्टर्ड येलो आई थिंक स्टार्ट होने वाला है। तो काफ़ी सारे कलर हैं ये बोगनविलिया के। और पिटोनिया तो खैर अपनी पूरी रंगत पर हैं, बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। और ये देखिए जो मैंने विंटर फ्लावरिंग बल्ब जब लगाए थे ना अगस्त में, ये है जो मैंने फर्स्ट टाइम लगाया है चिनचेरेंची। अब इसमें बर्ड्स आ गई हैं और देखते हैं इसके फ्लावर कैसे निकलेंगे, मैं शेयर करूँगी पिक्स। इधर ये मेरे जो कैलेंडुला है, ये वाले सीड ग्रोन है, 6-7 प्लांट्स निकले थे। ये अभी देखिए पिटोनिया, और ये मेरा एक्जिया और ट्रिटोनिया। ट्रिटोनिया के भी बल्ब्स ये सब मैंने अगस्त में लगाए थे। तो पेशेंस रखना पड़ता है इनमें, जब इनका सीज़न आता है ना तभी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। अब देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर है इसमें, ये 3 कलर में निकले हैं। ये पिटोनिया, कितने सुंदर सुंदर शेड और कितनी प्यारी फ्लावरिंग हो रही है सभी में, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं सारे। कुछ कैक्टस मेरे इधर रखे हुए हैं, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल, यूफोर्बिया मैमिलेरिया, और ये भी यूफोर्बिया की ही एक वैरायटी है। और ये देखिए स्पाइरल कैक्टस, और ये है वार्थिया में, देखिए इसमें भी एक बर्ड आ रही है। और ये मेरे कैक्टस गार्डन जो मैंने लास्ट ईयर बनाए थे। आप भी अपने इमेजिनेशन से बना सकते हैं, ऐसे सुंदर लगते हैं बहुत। और इधर देखिए यूफोर्बिया मिली, ये भी इस टाइम फुल ब्लूम में है। तो ये है एक प्यारा सा कॉर्नर, इसमें सारे मैंने कैक्टस रखे हुए हैं। इस टाइम तो मेरे गार्डन का जो मेन अट्रैक्शन बने हुए हैं वो गुलाब, रोज़। देखिए कितने खूबसूरत, बहुत रोज़ेस हैं। और मुझे ना देसी रोज़ इसीलिए पसंद है कि एक तो फ्रेग्रेंस भी बहुत होती है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आती है।
ये एक प्यारा सा शेड है, और ये देखिए ये थोड़ा डिफरेंट कलर है, पिंक कलर। और ये गुलाब के बीच में ये मेरा गुड़हल, बहुत ही खूबसूरत कलर है इसका, देखिए। तो सारे प्लांट्स ना बड़े अच्छे से इस टाइम फ्लावरिंग कर रहे हैं, क्योंकि वेदर कंडीशन परफेक्ट है। इनमें भी बर्ड्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। एमरेलीस के प्लांट्स हैं ये, लिली की ही वैरायटी है सब। काफ़ी सारी बर्ड्स आ गई हैं। ये वाटर लिली में भी अब नई ग्रोथ आ गई है पूरा, ये भी डोरमेंसी में चले जाते हैं विंटर्स में। अब देखिए इनमें भी नई लीव्स निकल आई है, अब देखते हैं कब फ्लावरिंग का भी स्टार्ट हो। ये था मेरे गार्डन का एक छोटा सा अपडेट, प्यारा सा फ्लावरिंग वाला। तो मुझे लगा कि होली इज़ नोन एज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, तो मुझे अपने गार्डन के सारे कलर आपको शेयर करने चाहिए। देखिए, सो आई होप यू लाइक माई गार्डन। इफ यू लाइक माई गार्डन, माई वीडियोज, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon। बाकी मैं अपने garden के updates आपके साथ share करती रहूँगी। और हाँ, अब मौसम change हो रहा है, अब millibugs और aphids का attack होने वाला है आपके plants पर, क्योंकि जब ये अब जैसे आपको पता है ना, ये मौसम में गेहूँ की कटाई start हो जाती है, होने वाली है मतलब अप्रैल मई में। उसके बाद ना ये सब उड़ के हमारे प्लांट्स से चिपक जाते हैं आके। अभी मेरे यहाँ तो आने भी लग गए हैं, कल भी मैंने काफ़ी सारे पानी से रिमूव किए हैं। और हिबिस्कस पे सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं, तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप ना रनिंग फ्लोइंग वाटर से उसको हटाइए, और बहुत ही ज़्यादा अगर आ गया हो तो आप उनको स्टेम्स को कट कर दीजिए। सो चलिए, वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। सो एंजॉय योर फेस्टिवल, एंजॉय योर संडे, बाय बाय।